कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। 28 अगस्त 2020 के अमर उजाला में खबर है कि बलरामपुर में 800 मृत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। इतने महंगाई के युग में 2000 रुपए की क्या वैल्यू है? एक बच्चा बीमार हो जाए ना, डॉक्टर एंट्री फीस 2000 लेता है। और जिनकी जिंदगी कृषि कानूनों से बदल गई, जिनकी जिंदगी 2000 रुपए 4 महीने में जो मिलते हैं उससे बदल गई, कैसे बदल गई? प्रतिदिन 16 रुपए 32 पैसे में कोई भी किसान का परिवार क्या क्या कर सकता है, ये आप सोचना शुरू कर दीजिए। देश में किसानों का मुद्दा पहले से ही एक जरूरी मुद्दा था, पर जब से सरकार कृषि कानून लेकर आ रही है, इसके बाद से ये मुद्दा अब और भी सुर्खियों में है। किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में सरकार इसको लेकर हरकत में भी आती दिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ किसानों से बात की और 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए भी ट्रांसफर किए और भाषण के जरिए कुछ बातें भी कही। साथियों, कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रता पूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। पहली बात तो कि ये पहली बार नहीं है कि 2000 रुपए किसानों के खाते में आए हों। मोदी सरकार की स्कीम पर नजर डालें तो साल के 6000 रुपए पहले से ही किसानों को दे रही थी सरकार, वह भी 3 किश्तों में। इसके साथ ही जिस मीडिया से हम सरकार से सवाल करने की उम्मीद करते हैं, वह भी पीएम मोदी द्वारा किसानों को दी जाने वाली राशि को ही बड़ा बताती रही। सरकार की ओर से किसानों को मनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आंदोलन के 30वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, 6 राज्यों के किसानों से बातचीत की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी देश के 6 राज्यों में 9 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात देंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना के 18000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के किसानों को संबोधित भी करेंगे। और किसान आंदोलन का आज 30वां दिन, गतिरोध जस का तस बना हुआ है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों की मोर्चाबंदी जारी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी पहल कर रहे हैं। वो 6 राज्यों के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं। आज बीजेपी के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस अवसर पर पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की अगली किश्त भी जारी करेंगे। दोपहर 12 बजे ये प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, ये कार्यक्रम होगा। करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे 18000 करोड़ की रकम ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने किसानों को दी जाने वाली राशि के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी दी। रवीश ने अपने प्राइम टाइम में ये बताया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि 2000 रुपए क्या हर किसान तक पहुंच भी रही है या नहीं, क्या ये राशि सही किसान को मिल भी रही है या नहीं। 28 अगस्त 2020 के अमर उजाला में खबर है कि बलरामपुर में 800 मृत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। 27 सितंबर को पत्रिका में खबर है कि यूपी के बाराबंकी में करीब 2.5 लाख ऐसे लोगों को सम्मान निधि दे दी गई जो इसके पात्र नहीं है। एक जिले में क्या वाकई 2.5 लाख फर्जी तरीके से किश्तें दी जा रही थी? खबर के मुताबिक जिसने गड़बड़ी उजागर की उसी पर मुकदमा हो गया। प्रभात खबर में 21 दिसंबर की खबर है कि 36,824 ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया है जिनके खाते में गलत तरीके से 32,71,00,000 का ट्रांसफर हो गया पैसा। पैसा वापस करने के लिए 282 किसानों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 115 फर्जी किसान सीएससी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जी किसानों का नाम देकर पीएम किसान सम्मान निधि में 50 लाख का फर्जीवाड़ा हो चुका है। रवीश की रिपोर्ट में उन्होंने किसानों से बात की और पीएम द्वारा दी जाने वाली राशि को लेकर कुछ सवाल भी किए।
और मैं एक गल कहनी चाहना कि जे तीन किश्तों च मोदी ने किसान सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपया 6,000 साल का देना है, उससे तो बेहतर है C2+ फार्मूले से MSP का रेट तय कर दे। हम तो 2000 चाहते ही नहीं, इतने महंगाई के युग में 2000 रुपए की क्या वैल्यू है। एक बच्चा बीमार हो जाए ना, डॉक्टर एंट्री फीस 2000 लेता है। देखिए ये जो सरकार है ना, खासकर ये BJP की सरकार, ये लोगों को भ्रम में डालती है। और ये जो है ना अब ये 18,000 करोड़ का ये भी भ्रम है, क्योंकि हम आंदोलन चल रहा है तो ये अब बोलेंगे कि हम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इतना 18,000 करोड़ रुपया डाल दिया, लेकिन उसमें बहुत गांव ऐसे हैं जिनका कोई पंजीकरण हो ही नहीं पाया, कई बार आधार कार्ड लेकर वो अपने गए हैं। ये बोलते हैं हम सभी गाँव को दे दिया, हमारे रोपड़ जिले के कराली के बगल में 3-4 गाँव ऐसे हैं जो कम से कम 10-20 बार SDM को अपने डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनको ये सम्मान का पैसा नहीं मिला। वहीं पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने मोदी सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि को लेकर कुछ सवाल भी उठाए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों प्रधानमंत्री ने आज हर किसान की हथेली में एक दिन का खर्चा 16 रुपया 32 पैसे रख दिया। एक महीने का खर्चा ये 500 रुपए हो जाता है और 4 महीने का खर्चा 2,000 रुपए हो जाता है। प्रतिदिन 16 रुपए 32 पैसे में कोई भी किसान का परिवार क्या क्या कर सकता है, यह आप सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को अब लगने लगा है कि इस देश का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, पिकनिक मना रहा है। इसीलिए आज उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसान एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर है, जहां पर लोग सेल्फी खिंचाने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस देश की सरकार के ड्रामे को भी आज आप समझ लीजिए, यह सरकार कैसे एक ड्रामा की शुरुआत करती है, उसमें अपनी अपनी भूमिकाओं को तय करती है और उसके बाद जब पर्दा उठता है तो हर जिस भूमिका में नजर आता है वह किसी थिएटर से कम नहीं होता। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजम ने इस मुद्दे पर किसानों की मंशा को जाहिर किया और कुछ सवाल भी उठाए। प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे किसानों से बातचीत भी कल की थी जिन्हें बहुत फायदा हुआ है कृषि कानूनों से, और 2000 की जो रकम उन्हें मिलती है 4 महीने में उससे भी, और किसी किसान ने यह भी बोला कि उनकी जिंदगी बदल गई। तो मैं तो अपील करूंगा मीडिया के साथियों से, उन किसानों को तक पहुंचे जिन किसानों से प्रधानमंत्री ने संवाद किया और जिनकी जिंदगी कृषि कानूनों से बदल गई, जिनकी जिंदगी 2000 रुपए 4 महीने में जो मिलते हैं उससे बदल गई। कैसे बदल गई, जरा वो वीडियो, उनकी स्टोरी, उनकी जिंदगी बदलने की कहानी, तस्वीर दिखानी चाहिए। क्योंकि कई बार ये आरोप लगता है कि ऐसे किसानों को समझा बुझाकर सरकार के सामने लाया जाता है, और ये कहानी हम एक बार पहले देख चुके हैं। तो वो किसान वाकई अगर उनकी जिंदगी बदल गई तो वो कहानी भी आनी चाहिए। जिस मेनस्ट्रीम मीडिया को लाखों लोग जानकारी हासिल करने के लिए देखते हैं, वह जानकारी की बजाय सिर्फ न्यूज तक ही सीमित कर देता है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा मीडिया अधिक जानकारी के साथ देश की जनता के सामने सच रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।